नमस्कार, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग घूमने आए हैं यहाँ पे रामगढ़, राजा का जो किला है, किला के बगल में है हवा महल। उस हवा महल में देखने के लिए अभी आए हुए हैं। देख सकते हैं, ये पीछे का दृश्य है, इसके आगे वाला भी दृश्य आपको दिखाएंगे। ये कई मंजिल है पूरा का पूरा, और ये गुंबद जो दिखाई दे रहा है, ऐसा गुंबद चारों कॉर्नर में है और बीच में एक बड़ा सा मेन वाला गुंबद दिखाई दे रहा है। चलिए तो आगे ले चलते हैं आप लोगों को। यह हवा महल हजारीबाग से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर रांची पटना हाईवे NH 33 के जस्ट किनारे पर आपको स्थित मिलेगा। जैसे आप इस पथ से पास कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से इसका नज़ारा साफ दिखेगा। हाईवे से कुछ ही मीटर चलने के बाद आपको सामने हवा महल का शानदार नज़ारा का दीदार होगा। हवा महल का अर्थ होता है हवा का महल, अर्थात इसमें हवा हमेशा एक सामान्य रूप से आती रहे और वहाँ रहने वाले लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो, इसलिए इसे इस तरह से इसके आर्किटेक्ट किया गया कि चारों ओर से हवाएं प्रवेश करती है। अभी हम लोग हवा महल जो पद्मा किला के बगल में ही है वहाँ पर आए हैं। ये पूरा दृश्य देख सकते हैं आप। ये दृश्य देख सकते हैं पूरा। पूरा इसका सीलिंग देख सकते हैं आप लोग। अभी जो देख रहे हैं इसके चारों सिरे पर हैं, ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा गुंबद चारों सिरे पर है। एक ये हमारे पीछे भी दिख रहा है, ऐसा चारों ओर चारों सिरों पर है। चलिए हम आपको ले जाते हैं। ये उस समय का चिमनी हुआ करता था, चिमनी ठंड के दिनों में जिसका उपयोग किया जाता था, और पूरा का पूरा एकदम सेम डिजाइन है, केवल आगे का थोड़ा सा पोर्शन अलग है, सेम डिजाइन एक जैसा ही है चारों ओर आप देख सकते हैं। एक स्टेप और ऊपर हम लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आखिरी छोर पर। ये है हमारा आखिरी छोर। ये गुंबद देखिए, दो गुंबद देखिए, और ये बीच वाला है मेन गुंबद ये है, और इसके चारों ओर आप देख सकते हैं साउंड बिल्कुल इको कर रहा है। ये ऊपरी इलाका है, और इसी तरह का कुछ इधर भी देखने को मिलेगा आपको। ये गुंबद ऐसा चार गुंबद और बीच में मेन गुंबद। इस हवा महल का एक आकर्षण का केंद्र है ये। यहाँ पे बीच में कुआं है, और ये रानी के नहाने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे। और यहीं से कुछ दूरी पर पद्मा किला है आगे से, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नहाने का लाके चारों ओर झाड़ी उग गई है। ये पूरा स्नानागार का हिस्सा है, थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आकृति है आप देख सकते हैं पूरा है।
पानी देखने से लग रहा है कि और भी गहरा है। और ये आप कमल का फूल देख सकते हैं, चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं, एक बार पुनः पूरा व्यू देख लीजिए। और अब हम लोग पुनः एनएच की ओर पकड़कर चारीबाग की ओर चलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।